अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं बच्चों को शरारतों बड़ी से। लड़ी हो रही है शुरू भैया के साथ हैं। माशाल्लाह आज बड़ा खुश खुश खेल रहा है छोटा भाई बड़े भाई के साथ। वो नजर नहीं आता, वो दूसरे रूम में गया तो मम्मा मामा भैया भैया। आज मूड ठीक है हमारे काके का, मूड ठीक हो तो खेलता है वरना नहीं खेलता। अपने भाई के कलर्स क्यों पकड़े हुए हैं बेटा जुमर? भैया के कलर्स रख दें। सफाई के बाद नेक्स्ट टारगेट भी बहुत बड़ी हैवी होती है। आज क्या पकाएं, पूरा दिन लग जाता सोचने में आज क्या पकाएं, आज ये पका लेते नहीं वो नहीं दिल करा, ये नहीं दिल करा, वो नहीं दिल करा। बहुत बड़ी सर दर्द है। तो आप लोग के घर में भी ये मसला होता है आज क्या पकाएं, बहुत बड़ा इशू है। फिलहाल तो मैं अभी करूँगी अपनी सफाई को डन और उसके बाद फिर देखते हैं। तब तक सोच लूँगी, काम करते करते सोच लूँगी क्या पकाने आज। अभी मैं दो कमरों की सफाई करके बैठी हूँ। अभी मेरा पैसेज रहता है और सामने वाला रूम भी रहता है। अभी मैंने डस्टिंग भी कर ली है। आज बिल्कुल भी दिल नहीं करा कुछ भी करने को। मेरा दिल करा धूप में जाकर ले जाऊं, पर करना तो पड़ेगा। अभी डस्टिंग करनी है। अभी आप दोनों को क्या हो गया? यहाँ से सफाई रहती है, वो सामने वाला रूम भी रहता है। अभी हाय मामा बोली। ओ हाय, दोनों मिक्स हो गए। ठहरे, मुझे देखने दे आपका कौन सा था। दोनों के फीडर्स मिक्स हो गए। गंदा बच्चा, चले ऊपर लेटे ऊपर। आप कैसे लेटे हैं? सही से पिलो के ऊपर लेटे। पिलो इधर है बेटा, इधर है। लड़ते हो ना दोनों एक ही पिलो पे। क्या लेके जा रहे हैं? रस। अभी अभी ये सोकर उठा है और मुझे कह रहा था मामा रस मामा रस। अब मैं किचन की तरफ जा रही हूँ, मैं बना रही थी खाना, खाने में आज बना रही हूँ आलू कीमा। कल बनाए थे दाल चावल और आज बना रही हूँ आलू कीमा। खा ले ना बेटा, खा ले रस, खा ले। अभी मैं बना रही हूँ रोटियाँ। ये हैं रोटियाँ और ये भाई साहब को मैंने अपने साथ बिठाया हुआ है चेयर पे और ये इस बात से रो रहा है कि मैंने चेयर पर नहीं बैठना, गोदी में उठाएं या फिर मुझे शेल्फ पे बिठाएं। तो शेल्फ पर तो रखा हुआ है आटा, कोई जगह नहीं शेल्फ पे बैठने की, इसलिए मैंने कहा इसको साथ चेयर पर बिठा देती हूँ और मैं अपना काम कर लेती हूँ।
क्योंकि मौसम चेंज हो गया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो गैस चली जाती है। पाकिस्तान बेबी, ज़राम बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था कि उसने सूप पीना है, और ऐसे तो मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। फिर मैंने कहा चलो जाती बाहर से ही इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सीज़न में। अभी मैंने कहा चलो फिर एक दफ़ा इसको और सूप बना देते हैं। मैं यहाँ कर रही हूँ सूप रेडी। आप मेरा जाके व्लॉग ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।